मोना जी, जानवरों के प्रति होने वाले कुकृत्यों की घटनाएं ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बहुत क्रिएटिव होके लोग ये कृत्य कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा इतनी घटिया सोच लोगों की हो कैसे सकती। आपको पता है एंटो थे में एक पपी के चारों पॉज काटती है, उसकी तस्वीर देखती है। एक प्रेग्नेंट गोट को 8 लोगों ने रेप किया। पागल है क्या, दिमाग खराब है? जानवरों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं ये गुनाह हो रहे हैं, ये गुनाह किए जा रहे हैं जानवरों के ऊपर। इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंसान मानसिक रूप से थोड़ा सा सड़ गया है। सिर्फ बीमार नहीं हो गया है, वो सड़ गया है। कहीं बहुत ही गंदी बू आ रही है, ये सड़न फैलती जा रही है। ये सिर्फ बड़े लोग नहीं कर रहे हैं, बच्चों ने अभी अभी मैंने वो भी आपने पता नहीं एफबी पे देखा भी होगा, पर उन्होंने पपीज को उनकी खाल उधेड़ी जब वो जिंदा थे, उन्हें मारा, उन्हें डिसमेंबर किया, उन्हें जलाया। और इन बच्चों की उम्र 9 से 11 साल की थी। जो लोग उनकी तस्वीर उतार रहे हैं उनको इस तरह से देखने की तस्वीर क्यों उतार रहे हैं, ये कौन है, किया? वो समझ तक नहीं है कि हमने कुछ गलत कर डाला है शायद। उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि किसी की जान लेना ये गुनाह है। हो सकता है कि इंसानों का जो जजमेंट होता है, उनके जो कोर्ट्स ऑफ लॉ होते हैं, हो सकता है कि उन पर आपको विश्वास ना हो, लेकिन भगवान की एक अदालत होती है। और ये जो हम लोग अपने कल्चर का वल्चर सब पे छोड़ देते हैं ना, इस कल्चर के वल्चर में भगवान ही तो सबसे बड़ा है, नहीं है? इस कल्चर का बेसिस क्या है? भगवान ना, आपका भगवान ना, पता नहीं वो कौन सा होगा, किस मंदिर में, गिरजाघर में, मस्जिद में बैठा होगा, हो सकता है किसी सिनेगॉग में हो सकता है किसी पत्थर में हो, किसी पीपल के पेड़ में हो जाता, लेकिन हर जगह उस भगवान के कल्चर में, उस भगवान के कल्चर में किसी की भी जान लेना ये गुनाह है। अपनी होली स्क्रिप्चर्स उठा के देख लीजिए, उसमें ये जरूर मेंशन होगा कि नहीं, किसी को भी तकलीफ देना। हम आज डिस्कस करने बैठे हैं, बिंदु का एग्जाम्पल ही फिर से दोहराएंगे, क्योंकि ये तो बिंदु का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही बड़ा है, वो अभी तक हमारे दिमागों पे बहुत असर बना के बैठा है। अलावा उसके अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। हाँ। लोग अभी भी लड़ रहे हैं कि जिस आदमी ने ये किया है, आदमी तो खैर हैवान ही है वो, लेकिन जिस हैवान ने ये किया है कि उसको कोई सजा मिले, क्योंकि वो एक प्रॉमिसरी 3000 की प्रॉमिसरी नोट पर बेल बॉन्ड पर छूट गया है, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, उस बेल बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ कोई, जैसे कहते हैं ना, क्लोजर, कि मामला अब शांत हो गया है, समाप्त हो गया, ऐसा हुआ नहीं है। उस बात को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन उस बात से और भी बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं एक्चुअली, इसलिए हम बार बार बिंदु की बात करते हैं, बिकॉज बिंदु हमारे मन में जो भारतीय कुत्ते हैं जिनको आपने श्रेय बनाया है, क्योंकि आपको भारतीय कुत्ते पसंद नहीं है, अपनी ही नस्ल पसंद नहीं है, हम सब भारतीय है ना। ध्यान रखने लायक बात यह है कि हमारे भारतीय कुत्तों की भी ना बहुत सारी खासियतें हैं। उनमें से एक खासियत ये है कि कोई भी कुत्ता जिस जगह पे रहता है वो उसे अपना घर ही समझता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे ये राइट देता है कि वो कुत्ता जिस जगह पर पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, वो उसका घर है, कोई भी उसे वहाँ से हटा नहीं सकता। ये एक गुनाह है, ऐसा करना एक गुनाह है। तो जिस प्रकार हम इंसान अपने अपने घरों की रक्षा करते हैं, वैसे ही ये कुत्ते भी अपने उन बिल्डिंगों की, उन सड़क के कोनों की रक्षा करते हैं, और ये उनका हक है। ये इस पूरे जगत ने उनको ये हक दे रखा है।